हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वन डिश मील मशरूम पराठा। थोड़ा सा यूनिक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे बनाना है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मशरूम पराठा बनाने के लिए एक मलबार पराठा लिया था मैंने, जिसको रोल करके मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था कुछ इस तरीके से। एक पराठा लेना है आपको, उसको रोल करना है और उसकी स्लाइसेस बना लेनी है। और जब आप उसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसका अब हम जो लेयर्स है ये अलग करते हुए इसके छोटे टुकड़े बना लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो इसकी लेयर्स हो वो आपने अलग कर देनी है कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने और भी दो पराठों को करके रखा हुआ है, तो ये टोटल में मैंने तीन पराठे लिए हैं। I'm sorry, मैं आपको इसे कट करते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम पे कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं था। मैं फिर आपको बता देती हूँ इसका इंस्ट्रक्शन। आपको पराठा लेना है, ये मलबार पराठा लिया है मैंने, जिसको मैंने रोल कर लिया था। और रोल करने के बाद जब वो एक रोल के शेप में हो तो उसके स्लाइसेस कट कर लेने हैं। और उसके बाद आपको जैसे मैंने दिखाया इसको वापस छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है लेयर्स खोलते हुए। इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। एक पैन में हमने लिया है एक टेबलस्पून ऑयल और ये गरम हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी तीन मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, ये बारीक काट लिया है मैंने। इसे गोल्डन होने तक सॉटे करेंगे। हमारे प्याज का कलर चेंज होके ब्राउन की तरफ आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। इसे 1 मिनट सॉटे करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ हरी मिर्च। ये अराउंड मैंने 4 मिर्च ली है जिसको काट लिया है मैंने। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो हमारा नूडल का टेस्ट मेकर होता है वो, ये मसाला फ्लेवर लिया है मैंने। साथ ही मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से भून लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैं ऐड करेंगे इसमें नमक एज पर टेस्ट, लेकिन आप देख के कम ऐड करिएगा क्योंकि जो टेस्ट मेकर होता है उसमें भी नमक होता है। मिक्स कर लेंगे इसे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और पूरी तरह से गलने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर का बिल्कुल एक पेस्ट सा बन चुका है। हमें बिल्कुल इतना ही गलाना है टमाटर को जहाँ पे वो बिल्कुल दिखाई ना दे और एकदम पेस्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 150 ग्राम श्रेडेड चिकन, ये बॉइल्ड चिकन है जिसको श्रेड कर लिया है मैंने। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो सॉस, ये अराउंड 3 चम्मच लिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे इसे एक बार और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो चिकन है उसमें भी जो मसाला है वो कैच कर ले। हमने 5 मिनट तक हमारे श्रेडेड चिकन को इसमें पकने दिया है ताकि मसाला कैच कर ले। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे पराठे जो हमने श्रेड करके काट के रखे हुए हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। हमने हमारे पराठों को भी डाल के और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे आखिरी 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे ताकि वो जो मसाला है वो पराठों में भी लग जाए पूरी तरीके से और जो एक्सेस मॉइस्चर होगा जो थोड़ा बहुत इसके अंदर वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। और हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि आप ज़रा सा भी इसमें पानी ऐड करने जाएंगे तो आपके पराठे जो है वो सौगी हो जाएंगे, एकदम चिपचिपे से हो जाएंगे। तो बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है इसमें, जो टमाटर का मसाला है ये उसी में पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा। ये पूरी तरह से रेडी है, इसमें कोई एक्सेस मॉइस्चर नहीं है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे फ्लेम से बंद कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा गर्मा गर्म मशरूम पराठा और ये बहुत ही फ्लेवरफुल है। चिली की वजह से इसमें स्पाइस है और सॉस और टमाटो की वजह से इसमें एक टैंगीनेस है। और ये बिल्कुल वन डिश मील है, आपको इसी तरह से इसे खाना है। इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।